हेलो दोस्तों, मैं यो सर और मेरे साथ कुछ फ्रेंड लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं महायज्ञ के मेले में। आज फिर मेरे गांव में एक मेला लगा है, तो चलिए चलते हैं। तो मेला के बारे में कुछ बताइए आप जी। यहां पे मेला काफ़ी अच्छी लगी है। अच्छा। और ज़रूर देखना चाहिए। अब गए हैं कोई दिन की ना? हाँ, तीन चार दिन गए हैं मेला। चार दिन? हाँ। अच्छा, आज तो मेरा फर्स्ट डे है। अच्छी मेला है। अच्छा, मतलब काफी मजा आएगा। आज लास्ट दिन है मेला का और काफी मजा आएगा। ठीक है ठीक है, चलिए वहाँ चलते हैं। तो फिर उसका हेलो दोस्तों, तो अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति का कलेक्शन है, तो आपको मैं सब दिखलाता हूँ धीरे धीरे। अभी जो है पहला, हाँ आ रहे हैं। और ये यहाँ के जो है मूर्ति के निर्देशक है, ये कौन से, ये कौन है? कल्लू डोम। ये सिगरेट पीते हैं कि सच में? हाँ, पीते रहता है, धरा देते हैं, पीते रहता है। सिगरेट कौन, कोई लगा दिया कि पीते हैं? ये पीते हैं। अच्छा, पीते हैं। ओ हाय। अच्छा, मतलब ये खत्म होता है उसका नेक्स्ट? अच्छा, फिर दूसरा लगाते हैं। मतलब इधर कितना पी चुके हैं ये? तो उस दिन से काफी पी चुके हैं। अभी भी इनके पास एक कान में है और हेलो। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल्लू डोम है और यहाँ पे दो तीन सिगरेट जो अभी भी पी रहे हैं। आगे बढ़ो। अबे भुवनेश्वर सहनी, इधर आइए। इधर बोलिए, भुवनेश्वर सहनी। हाँ ठीक है, आ जाएगा। और ये और आगे बढ़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र। और ये है त्रिजटा, जो रामायण में मिले थे। सीता माँ को जो है बहुत ज्यादा सुरक्षा दिए थे त्रिजटा। और इसके बाद है संत जी। और अब आगे बढ़ते चलते हैं। और ये देवी मैया, सबका नाम लिखा हुआ है एक एक करके। थोड़ा अंकल जी एक मिनट साइड हो जाइए। और ये कौन से है? धर्मज्ञ के राजा रानी। आगे बढ़ते चलिए, ये भी एक संत जी है। और अब आपको लिए चलता हूँ, आप उनको पहचानते ही होंगे, माँ पार्वती और सीता। अभी जो है जयमाला होने वाला है, तो भाई अवतार में एकदम शादी के लिए एकदम तैयार है। और ये भी कुछ देवी देवता लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये है देवी देवी मैया। और ये देख सकते हैं कौन है, वीरभद्र जी। और अब सबसे जो मजेदार है मूर्ति बना हुआ, ये पुतना। इसमें देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भी हैं और पुतना जो वध करने के लिए आए थे वही। और आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन है, नाम पता? हाथ में विराजमान है। और ये अश्व है, वो वाला लव कुश वाला जो अश्व था वही ना? अच्छा, इसके बाद ये है बड़ा अवतार, देख सकते हैं बड़ा अवतार है। इसमें मतलब क्या, घोड़े का ना मुंह लगा हुआ है इनमें। हाँ, ये कौन सा है, इच्छाधारी नागिन। और सच में डर भी लग रहा है, देख सकते हैं कैसा है। और ये भगवान गरुड़ भगवान है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये कौन से हैं, विष्णु भगवान है क्या? ये चक्र रहे नहीं। और आगे बढ़ते, ये सब कुछ माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान थे। और ये कौन है, हिरणा कश्यप वध नरसिंह अवतार, देख सकते हैं जो यहाँ पर कैसे वध किया गया है। और ये है माँ सरस्वती, जिनकी एकदम कृपा जो है हमेशा बनी रहती है। और आगे बढ़ते अब ये है माता रानी। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। अब ये है फिर से एक बार पार्वती मैया का मूर्ति। और ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, भोलेनाथ और उनके पुत्र भगवान गणेश। और ये है बजरंग बली, देख सकते हैं लाल देह लाल से बजरंग बली। तो मेला का लास्ट दिन था, लेकिन देख सकते हैं यज्ञ जो है पूरा एकदम हो चुका है संपन्न ना। तो आज भरी ये मेला रहेगा, तो लगभग जो प्रतिमा सब थी वो सब विसर्जन, मतलब यहाँ का जो प्रतिमा था विसर्जन हो चुका है। और उनका जो है अब होगा कल होगा। और मेला जो है अब धीरे धीरे जो है भीड़ जो है बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे भी जो है कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे जो है, वो भगवान के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, भगवान का कुछ कीर्तन हो रहा है, देख सकते हैं। इसे आपको दिखलाता हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग लोग सब जो है यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ अपना अपना जो है कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे हाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी रहे हैं।
और अभी उधर जो है कुछ बाबा लोग जो है उधर प्रवचन कर रहे हैं, क्या चीज मतलब क्या टॉपिक क्या है उनका? उनका टॉपिक है कि उनके जो कथा है वो सुन के आपको स्वर्ग का रास्ता मिल सकता है, मतलब डायरेक्ट स्वर्ग का, डायरेक्ट स्वर्ग। और सुनेंगे क्या? हाँ, अपने जीवन में जो टेंशन है, तनाव है, उससे आप उस सबको दूर है, लेकिन उस सब से भी हम लोग दूर है, ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है। कोई बात, चलिए मेला घूमते हैं, चलिए। सुनने वाले सुन रहे हैं और इधर कुछ एक दो ही बच्चे एंजॉय जो है कर रहे हैं पूरे खुल के। और दोस्तों इधर कुछ स्टूडियो भी है, देख सकते हैं सब आकर के रंग बिरंगा जो है एकदम फोटो खिंचवा रहे हैं, तो अगर मन है तो स्टूडियो में आकर के खिंचवा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं ये वाला ब्रेक डांस पे। ए गाइस, हेलो दोस्तों, अब जो कुछ देर में जो दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, गोवा में डर लग रहा है अभी। अब इधर देख सकते हैं झूला का आनंद और स्टार्ट हो चुका है, माइक और स्टार्ट हो गया दोस्तों। आज अभी गंगा मजा आ रहा है तुमको? और अभी जो है स्लो ही है थोड़ा। डर लगता हो जा डराए के नहीं चक्कर आने लग गए अब। दोस्तों फाइनली मेरा आइसक्रीम भी जो है ख़त्म हो चुका है और मैं भी घर लगभग पहुंच गया, तो इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगा मेला घूमते घूमते, और इसीलिए मैंने आइसक्रीम खरीदा था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना है।